सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए या फेम के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाना ठीक है? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? आजकल तो हर इन्फ्लुएंसर के आप कहीं ना कहीं फोटोग्राफ देखोगे तो आपको शायद बॉडी का कोई ऐसा अंग दिख जाएगा जो कि एक्चुअली शेमफुल है या फिर कई लोगों को शेमफुल लगता है। जिनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, स्पेशली जब हम छाती या क्लीवेज के बारे में बात करते हैं तो कितना ज़्यादा मुश्किल लगता है ये, और क्या ये सही है या गलत है, चलिए बात करेंगे। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे बड़े एग्जाम्पल के साथ शुरू करूंगी। जब मैंने सेक्स एडुकेशन पर बात करना शुरू किया था तो बहुत ही सादे कपड़ों में विदाउट मेकअप्स अपने कंटेंट के साथ शुरू किया था। हम जब बहुत बोल्ड टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा पिक्चर्स का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि साफ और सीधे शब्दों में आपके पास कंटेंट पहुँच सके। और जब मैं साफ सीधे कंटेंट में घर के कॉटन के कपड़ों में बैठ के फुली कवर्ड आपको ये कंटेंट पहुँचा रही हूँ और आप इसे पसंद कर रहे हैं, तो कोई इस चीज़ पर कैसे भरोसा कर सकता है कि अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाना या फिर क्लीवेज को शो करना, अपने ब्रेस्ट को शो करना, अपने बॉडी पार्ट्स को शो करने से आपको फॉलोअर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। हाँ, ज़रूरी ये है कि अगर आप जब शॉर्टकट्स लेते हैं या नेगेटिव तरीके लेते हैं तो आपको सक्सेस जल्दी ज़रूर मिल जाती है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ नहीं रहती है। अगर आपकी बातों में, आपके कंटेंट में, आपके वैल्यूज़ जो आप दे रहे हैं, अपने क्लाइंट की ज़रूरत को समझते हुए इम्पार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने शरीर दिखाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास कुछ भी और नहीं बचता है, आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ बहुत खुल के मॉडल्स ने बात बोली हुई है कि मेरे को और कुछ नहीं करना आता है, मुझे यही करना आता है और मैं यही करके कमाऊंगी। बी इट बिग नेम लाइक राखी सावंत और उर्फी जावेद, उन्होंने खुद बोला है कि दिस इज़ व्हाट आई नो एंड दिस इज़ व्हाट आई डू। अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखो और देखना है तो देखो। इसका मतलब है कि हमारी ऑडियंस पे निर्भर करता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, तो उससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आपको खुद भी नहीं देखना चाहिए। आप पे ये निर्भर करता है कि मैं किस लैंग्वेज तक, किस ऑरा तक देख रहा हूँ, मेरी क्या बाउंड्री है और मुझे क्या चीज़ वो अच्छी या बुरी लग रही है। उस पर कमेंट करने से पहले क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि ये जनरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है? हमें ये चीज़ समझनी है कि ज़रूरी नहीं है कि फॉलोअर्स आपकी लाइफ बनाते हैं या जितनी जल्दी आप सक्सेस तक पहुंचते हो आपकी लाइफ बनाते हैं। आप किस तरीके की एडुकेशन दे रहे हो और किस तरह की एडुकेशन ले रहे हो, दैट मेक्स यू अ ह्यूमन। आप के अंदर काइंडनेस फीलिंग्स कितनी है, दैट मेक्स यू अ ह्यूमन। और अगर आप ह्यूमन हो तो आपके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे तो आपके घर के आसपास होंगे, घर के आसपास नहीं होंगे तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ होंगे, लोग आपको वहाँ पसंद करने लगेंगे। बात सिर्फ पसंद की है, और अगर आप खुद को पसंद करते हो तो लोग आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। मैं पर्सनली नहीं लाइक करती कि लोग अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाकर फॉलोअर्स ले पाएँ या अपने अनस्टंट मूव दिखा के फॉलोअर्स लें। मैं इतना ज़रूर रेकमेंड करती हूँ कि आपके अंदर जो स्किल या टैलेंट है उसे आगे ज़रूर लाया जाए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।